मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम ही हमने फैसला कर लिया था कि मेरे शौहर के जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के जमाने से ही अंदाजा था कि मेरे शौहर मिजाज के तेज हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन साथ रहने पर अंदाजा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे ये फील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज्यादा होता, मैं अपने बच्चों को लेके मैके चली जाती। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियां देते कि उसने क्या तुम्हें लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फोन पे मेरे शौहर को बहुत सुनाती। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें ये जरूर कहती कि अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें। मुझे